ओम पवित्र पवित्र सर्वावधानगतो भीम स्मृत पुनरीकाक्ष नो व्हाट द हेल सोनिया यहाँ कैसे आ गई तुरंत क्यों नहीं आई ओह गॉड यार तो अम्मा जान से ही मार देगी दोनों को क्या करूं हार्ट अटैक का नाटक करूं क्या मंगल बीना पूछते नहीं हार पहनना तो भूल ही गई अदित बेटा एक काम करो मंगल को ये हार पहना दो अम्मा ये सब अभी क्यों करना है अरे अदित मंगल दुल्हन है और वैसे भी हमारी कोई बेटी तो है नहीं लक्ष्मी मंगल का हाथ बिल्कुल ठंडा हो रखा है क्या मंगल तुम ठीक तो हो ना इस वक्त हमें मंगल का ख्याल रखना होगा उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आप प्लीज सारी रस्में रोक दीजिए पता नहीं मंगल को क्या हो गया इधर आओ अरे जीजू अदित सौम्या व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या क्या कर रही हो तुम मंडप में आकर कैसे बैठ गए क्या हो गया तुम्हें यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हें क्या हो गया मंगल और अदित की शादी की तैयारियां चल रही है और वहीं दूसरी तरफ सोम्या जो है अपना दिमाग चला रही है। अब सोम्या ने सेम वही ड्रेस मंगा ली है जो मंगल को शादी के दिन पहननी है। अब हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर भाई मंदिर के सामने खड़े हैं कुसुम और मंगल और यहाँ पूजा वगैरह कर रहे हैं और वो जो ब्राइडल का उनका लहंगा होता है जो मंगल पहनने वाली है वो भाई मंदिर के सामने रखते हैं पूजा करते हैं और बोलती है भाई यहाँ पर कुसुम कि सब कुछ ठीक करना और ये जिस तरीके से नई शुरुआत हो रही है दोबारा से अदित और मंगल की भाई आप अपनी ब्लेसिंग्स ने बनाए रखना। अब ये जो ब्लेसिंग्स होती है दूसरी तरफ हम अब यहाँ पर मंगल को नहीं पता है कि ये उस पर ना नजर रख रही है सोम्या। सोम्या दूर से देख रही होती है कि अच्छा ये लहंगा है जो पहनने वाली है शादी के दिन अदित से शादी करेगी तो यहाँ सेम टू सेम ऐसी लहंगा भाई जो अपनी सोम्या होती है ना वो मंगा लेती है। और वही हम देखते हैं कि शादी के दिन है मंगल सबसे आशीर्वाद वगैरह ले रही है आरती वगैरह दे रही है सबको और अचानक से घंटी बजती है और घंटी भाई बजती है कोरियर आता है वो भी सोम्या के लिए। अब जैसे ही कोरियर आता है तो यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोम्या के नाम पर आता है तो भी समझ में ही नहीं आता क्योंकि जो बॉक्स होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है ये तो सब लोग देख के एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अंदर जैसे ही खोलने वाले होते हैं यहाँ पर सोम्या मना कर देती है और सोम्या कहती है मैंने आदित और मंगल के लिए सरप्राइज मंगाया है शादी के लिए तो प्लीज अगर आप नहीं खोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर उसको अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है कि भाई अगर ये देख लिया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पार्सल के अंदर ना इस बॉक्स के अंदर उसका ब्राइडल का लहंगा है जो सोम्या ने मंगाया सेम टू सेम मंगल की तरह और अगर ये खुल गया और पता लग जाएगा कि भाई ये तो वही सेम टू सेम लहंगा है तो यहाँ पर बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। यहाँ पर सारा खुलासा हो जाएगा सोम्या का कि वो किस तरीके से भाई शादी करने वाली है आदित्य से और यहाँ पर वाकई में आदित्य और उसका अफेयर चल रहा है तो वो ये चाहती नहीं है और यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करती है मना कर देती है और भाई मंगल पता नहीं किस तरीके से उसके दिमाग में होता है वो सबसे मना करती है कि नहीं रहने दो ठीक है अगर इसको नहीं दिखाना कोई बात नहीं और वो उसको बॉक्स को उठाकर अंदर ले जाती है। वहीं हम देख रहे हैं कि शादी का मौका है और यहाँ पर आदित्य की भाई पगड़ी वगैरह की रस्म हो रही है और वहीं हमने देखा ही था कि कुसुम ने सब लोगों को गायत्री के यहाँ भेज दिया है क्योंकि भाई रस्म होती है ना कि शादी वाले दिन बराती आते हैं लड़की वाले के यहाँ और यहाँ पर अगर एक ही जगह आदित्य और मंगल रह रहे होते तो वो कैसे शादी होती तो यहाँ पर गायत्री के यहाँ चले गए बराती वाले लड़के वाले और लड़की वाले रह गए यहाँ पर कुसुम के यहाँ। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लक्ष्मी सारे रीति रिवाज कर रही है यहाँ पर पगड़ी की जब रस्म आती है तो यहाँ लक्ष्मी करती है लक्ष्मी पहनाती है भाई आदित्य को पगड़ी और यहाँ पर नेक भी मांग लेती है। अब नेक में वो पैसे वगैरह नहीं मांगती वो वादा मांगती है भाई आदित्य से और यहाँ पर वो बोलती है कि जो सातों वचन आप मंगल दीदी को दोगे ना और बोलोगे कि मैं सातों वचन निभाऊंगा उसका आप वादा दो मुझे कि भाई आप वो निभाने वाले हो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे आप कभी भी मेरी दीदी का साथ नहीं छोड़ोगे। तो पहले तो भाई सोच में पड़ जाता है आदित्य लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको वादा दे देता है और बोलता है कि मैं हाँ तुम्हारी मंगल दीदी का कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला हूं और जो सातों वचन मैं बोलूंगा ना वो निभाऊंगा।